हे एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी एग करी की रेसिपी। यकीन मानिए, ये इतनी डिलीशियस बनती है कि आप अगर इसे एक बार बनाओगे तो आप इसे बार बार बनाओगे, और अपने हर छोटे बड़े सेलिब्रेशन में ये रेसिपी तो ज़रूर ही डालोगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत झटपट से बन जाती है, और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियां चाट चाट कर इसे खाओगे। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बहुत अमेजिंग रेसिपी बनने वाली है। और अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट से रेसिपी को शुरू करते हैं और साथ में मिलकर बनाते हैं अफ़गानी एग करी। तो सबसे पहले अंडे को बॉयल करेंगे। तो यहाँ अंडा बॉयल होने के लिए मैं गैस पर ली हूँ एक पैन, और इसमें मैंने ऐड करा है पानी, और साथ में मैंने ऐड करा है 1 टेबल स्पून नमक। नमक को पानी में एक बार अच्छे से मिला करके इसमें ऐड कर देंगे अंडे, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट हम अंडे को बॉयल होने देंगे और फिर इसे छील लेंगे। अब चलिए एक मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए गैस पर मैं ले रही हूँ एक पैन, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बटर। आप चाहो तो यहाँ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया था, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 10 से 12 ही मैंने लिए हैं काजू, और 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब इन सब को हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे सॉटे कर लेना है 2 से 3 मिनट तक, या फिर तब तक जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पे प्याज को और बाकी मसालों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद फिर हम उसे पीस करके एक मसाला तैयार करेंगे। जब तक वो ठंडा होता है, चलिए अंडे में कट लगा लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बॉयल्ड अंडे जो थे उसे मैंने छील लिया, और उसमें अब एक तरफ से हमें कट लगा लेना है। आप चाहो तो इसे जैसे मर्जी वैसे कट लगा सकते हो, बट मैं थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव दिखने के लिए सारे अंडों में कट लगा रही हूँ एक तरफ से। अब प्याज जो है वो अच्छे से ठंडा हो गई है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में, और उसके बाद इसको अच्छे से पीस करके एक मसाला पेस्ट तैयार कर लेना है। प्याज, लहसुन और काजू के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 हैंडफुल धनिया, और इसको हमें अच्छे से पीस करके एक मसाला तैयार कर लेना है जिसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे रेसिपी में। अब वापस से गैस पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में ऐड कर देंगे तेल। तो यहाँ मैं बटर नहीं डाल रही, यहाँ मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जिस किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हो आप वहाँ पे कर सकते हो। अब तेल जब गर्म हो जाए तब उसमें ऐड कर देंगे अंडे उबले हुए, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच ही रेड चिली का पाउडर। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे अंडे को हमें रोस्ट कर लेना है। तो तकरीबन 2 मिनट का समय लगा मुझे अंडे को रोस्ट करने में। आप चाहो तो यहाँ डीप फ्राई भी कर सकते हो, मैं यहाँ नॉर्मल रोस्ट कर रही हूँ। अंडे एक बार जब रोस्ट हो जाए तो उसे निकाल लेंगे हम कढ़ाई से, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कितना सुंदर कलर इस पे चढ़ के आया है। और बस अब इसे साइड करेंगे, और सेम ही कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 2 to 3 टेबल स्पून और ऑयल। आप देख सकते हो यहाँ पहले से भी ऑयल जो थे जिसमें हमने अंडे को रोस्ट करा था बचा हुआ था, तो तकरीबन ओवरऑल 4 टेबल स्पून ऑयल है। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करी 1 टेबल स्पून जीरा, 3 छोटी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। अब इसे अच्छे से हमें चटकने देना है, और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा मसाला पेस्ट जिसे अभी हमने जस्ट पीस करके तैयार करा था। तो इस रेसिपी में हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, जो हमारा बेस मसाला है वो यही पेस्ट है जो ग्रीन कलर का होता है धनिया ऐड करने से। आप चाहो तो इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड ऑन कर सकते हो, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं पुदीना ऐड नहीं करी।
अब इसको एक बार अच्छे से मिला देंगे और ढक करके हमें 3 से 4 मिनट कुक होने देना है मीडियम फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि तेल जो है वो बाहर किनारों पे आ चुकी है। अब इस पॉइंट पे कुछ और मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला का पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दही, जिसे मैं पहले से फेंट करके रखी थी। और बस दही को डालते ही हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पे करेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो ये मसाला वाला पानी है। और बस अब इसे अच्छे से चलाते हुए हमें 1 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। जब कभी भी किसी भी रेसिपी में आप दही का इस्तेमाल करो तो फ्लेम को एकदम लो कर दो या फिर आप गैस को ऑफ कर दो कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद फिर चलाते हुए हमें 1 मिनट इसको कुक कर लेना है और फिर इसे ढक करके हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से तेल जो है वो किनारों पे निकलना शुरू हो चुकी है। इट मींस कि हमारे मसाले कुक हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ रोस्टेड एग, जो हमने अभी रोस्ट करके अंडे रखे थे वो, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, तो ये आज के दूध की मलाई है। आप चाहो तो जो मार्केट वाली क्रीम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं घर की ही मलाई का इस्तेमाल करती हूँ। मलाई डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार करेंगे मिक्स, ताकि मलाई जो है वो मसालों के साथ और अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट और कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखो कितना सुंदर कलर आ गया है। जो अफ़गानी एक करी है वो यहाँ बन करके रेडी है। अगर आपको ड्राई सर्व करनी है तो आप अभी एज इट इज़ सर्व कर सकते हो, बट मैं इसे ग्रेवी के साथ बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ऐड करा 1 कप के करीब में पानी और सबसे लास्ट में ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और बस इसके बाद ढक करके हमें 2 मिनट और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है। और बस यहाँ पे हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अमेजिंग अफ़गानी एक करी बन करके तैयार है। सर्व करने से पहले इसमें ऐड करें कुछ फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते, इसे एक बार मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें रोटी, राइस, पराठा, जिस किसी के भी साथ आपको खाना पसंद हो। आप भी ज़रूर से इसे एक बार बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी, आपके घर में सबने इसे कितना एंजॉय करा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहें, खिलाते रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।